अगर आप क्रिकेट में या किसी भी खेल में इंटरेस्टेड है, आप भी अपने गांव के लोगों को, मतलब जो भी खिलाड़ी उसको मिला के क्लब बनाया है, तो उस क्लब को आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चाहे आपके क्रिकेट के क्लब हो या किसी अन्य खेल का क्लब हो, अपनी बनाया हो, अगर चाहते उस क्लब को गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपने क्लब को गवर्नमेंट के साथ किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हाय गाइज, मैं हूँ जिसान आरिफ और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल जिसान मॉनिटर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करें, नेहरू युवा केंद्र संगठन की वेबसाइट पा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा चलाया जा रहा है ये संगठन है। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन अस, ज्वाइन अस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर का, डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपको दो ऑप्शन दिया, कि ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन के बारे में आज हम बताएंगे, जो पहले से रजिस्टर वो क्लब देख सकते हैं आप यहाँ से। चलिए ऑनलाइन करेंगे, उसके लिए ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना, जो भी आपका स्टेट हो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ब्लॉक क्या क्या सेलेक्ट करने के लिए, जो भी आपका ब्लॉक होगा वो ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद जो आपने क्लब बनाया होगा उस क्लब का जो भी नाम रखा होगा वो क्लब का नाम यहाँ पे देंगे। क्लब का नाम दे चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, या क्लब के प्रेसिडेंट जो उनके, या जनरल सिक्रेटरी जो उनके, किसी का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रेसिडेंट का पासवर्ड साइज की फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर जनरल सिक्रेटरी सेलेक्ट करते हैं तो उनका फ़ोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। चलिए जो सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको, उसके बाद आपको एड्रेस देना होगा, यहाँ पे विलेज और वार्ड देना होगा, ग्राम पंचायत देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद पूछ रहा है आपका जो क्लब है, आपने ये क्लब कब बनाया, वो क्लब डेट आपको यहाँ पे दे देना होगा। जब भी आपने अपना क्लब बनाया होगा वो क्लब डेट आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद कह रहा है क्लब आपका रजिस्टर्ड किसी अदर कंपनी, मतलब किसी अदर संस्था वगैरह से, तो यस या नो कर सकते हैं, इसमें भी आप नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लब के जो भी मेम्बर होंगे, जो भी मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी होंगे, उन सारे के यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे उनका नाम देंगे, उनके फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, और कैटेगरी देंगे जेंडर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अगर विकलांग है तो फिजिकल को सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ये जिसका आप डिटेल देंगे वो कहाँ तक पढ़े हुए वो देंगे, उसके बाद वो क्या काम करते वो देंगे, उसके बाद ये स्किल अवेलेबल है या नहीं है, यस या नो देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ब्लड ग्रुप, उसके बाद उनका आधार नंबर देना होगा, आधार नंबर इस बॉक्स में, ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद कह रहा है इस कलम में ये बंदा किस पोस्ट पर है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है या मेंबर है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये सारी डिटेल देने के बाद आपको क्लिक टू ऐड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक टू ऐड पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा और एक और बॉक्स यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जिसको फिर ऐड करना है उसको आप यहाँ पर पूरी वही पूरी डिटेल देंगे और यहाँ पर वो क्या है वो सेलेक्ट करेंगे और इस तरह ऐड कर लेंगे। कलम में जितने भी मेंबर, प्रेसिडेंट्स, जनरल सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देंगे, मतलब देना होगा उनकी डिटेल। उसके बाद कह रहे हैं किसी भी संस्था या गवर्नमेंट से आपके क्लब को कभी भी कोई फंड मिला है, अगर मिला है तो कौन सी गवर्नमेंट से मिला, सेंटर, स्टेट या अदर एजेंसी से, अगर नहीं मिला है तो ये तीनों को अनटिक रखेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या क्लब के पास एक मेंटेन अकाउंट है, यस या नो, और इसमें भी आप नो रखेंगे। उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्लब, क्लब के जो भी एक्टिविटी है, क्लब में क्या क्या काम होते हैं, मतलब क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे देना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी जैसे कि स्पोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, जो भी आपके क्लब के द्वारा किया जाता है वो देंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपके क्लब में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, वो डिटेल देंगे। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब सेव करेंगे कुछ इस तरह बोलेगा, तो यहाँ पर हम ओके करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन को यस करेंगे। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना हो, इसका लिंक भी दे चुके हैं। इस पे आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा ये वाले ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म को प्रिंट करके फिलअप करके आपको PDF बनाना होगा और उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा।
उसके बाद फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे, ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ से कर चुके तो उसको लॉगिन कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए स्टेटस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अप्लाई हुए सारे देख सकते हैं और यहाँ पर उसके स्टेटस भी आप देख सकते हैं। पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग भी क्लिक करके इसकी और डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह आप ले सकते हैं। ओके, इस तरह अपने क्लब को रजिस्ट्रेशन कर